देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार जैसे गरीब राज्य को अपना भरपूर सहयोग देने का काम किया। बिहार जैसे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे तो 2017 में जीएसटी की पूरी व्यवस्था खड़ा करके जो आबादी था उसका लाभ बिहार जैसे राज्य को दिया। और देश में जब जब एनडीए की सरकार बनी, चाहे वो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, तब भी विशेष सहायता बिहार को करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014-15 में सहयोग करने का काम किया गया। और कल ही आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश में जब बजट पेश किया तो बिहार जैसे आर्थिक रूप से गरीब राज्य को, जहां बाढ़ की हम चिंता करते थे, इस बिहार को 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ बाढ़ से सुरक्षा देने का प्रदान किया। इसके साथ साथ पहले से दो हमारे एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का और रक्सौल से हल्दिया, दो एक्सप्रेसवे हमारे स्वीकृत थे। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 और एक्सप्रेसवे बिहार जैसे राज्य को मिला। बक्सर से लेकर भागलपुर, जो बिहार के बॉर्डर तक, पीरपैंती के इलाके तक होगा, उसको एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा। और इसमें पूरी व्यवस्था की चिंता की जा रही है। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं होगा, ये बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गंगा में चाहे वो सोन का पानी हो, चाहे वो पुनपुन का पानी हो, क्यूल नदी का पानी हो, बड़ुआ नदी का पानी हो, चाहे वो चानन का पानी हो, सबको स्टोरेज करने की भी व्यवस्था इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा। प्लांटेशन का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा। उसी तरह बोधगया से वैशाली और पटना से पूर्णिया, अभी पूर्णिया खगड़िया होके लोग जाते हैं, एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे, सुपर हाईवे जो एक्सप्रेसवे है, उसको बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। ये पूरी तरह यहां से जंदहा, जंदहा से समस्तीपुर के रोसड़ा, सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्सा, दमदाहा और पूर्णिया हेडक्वार्टर जाने का